गर्मी का सीजन हो और शिकंजी ना बने घर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल परफेक्ट शिकंजी मसाले की रेसिपी, जिसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। उसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पर नींबू, और आप बना लेते पहले हमारा मसाला। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 छोटा चम्मच के करीब जीरा और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, और इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले कोई भी बर्तन ले लीजिए और इसमें इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करिए, मतलब इसको जलाना नहीं है, बस इसे एक अच्छी सी महक आने लगेगी, हमें इसको उतना भूनना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और इसको होने देते हैं ठंडा। और अब मैं ले लूँगी एक दूसरी प्लेट, उसमें निकाल लूँगी 1.5 चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच सादा नमक, और इनको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड में। और इसके बाद जो हमारे रोस्टेड मसाले हैं उसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच सादा जीरा ऐड कर दूँगी। इसके बाद हमें इसको पीसना है। उसके पहले मैं जार में पीसूँगी चीनी, तो मैं यहाँ पे करीब 4 बड़ा चम्मच चीनी पीस रही हूँ। इसका पाउडर मैं बनाऊँगी, आप चाहें तो यहाँ पे मिश्री का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आप शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो देखिए, मैंने चीनी को अच्छे से पीस लिया है, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल दे रही हूँ एक छोटे डिब्बे में, जिससे ये एयर टाइट डिब्बा है, तो हम इसको बाद में स्टोर करके रख सकते हैं। और अब सेम जार में ही मैं हमारा ये जो मसाला है इसको पीस लूँगी बिल्कुल अच्छे से, हमें इसको बारीक पीस लेना है। तो देखिए, मसाला हमारा पीस चुका है, तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे सेम प्लेट में जिसमें हमने नमक वगैरह मिक्स करके रखा है। तो सारा मसाला इसमें निकाल के पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद आप इसको किसी भी डिब्बे वगैरह में रख सकते हैं एयर टाइट में, जिससे ये आपका ख़राब नहीं होगा और आप इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये छोटी सी डिब्बी ली है, तो मैं इसमें पूरा मसाला जो है ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये जो क्वांटिटी है, इसे आप आराम से 5-6 गिलास शिकंजी बना सकते हैं, और आप क्वांटिटी बढ़ा करके ज़्यादा भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये जो डिब्बियाँ हैं इनके छोटे छोटे से ढक्कन हैं, तो मैं इनको इस तरीके से बंद करके आराम से रख सकती हूँ। तो चलिए, अब बना लेते हैं हमारी शिकंजी। तो उसके पहले यहाँ पर मैं निकाल लूँगी नींबू का रस। तो मेरे पास एक ही नींबू है, तो मैं यहाँ पर आपको 1 गिलास शिकंजी बना के दिखाऊँगी। तो मैंने रस अच्छे से निकाल के और बीज को कर दिया है साइड में, और अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 गिलास, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच शिकंजी मसाला, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी शुगर पाउडर। तो 3 छोटा चम्मच के करीब शुगर पाउडर मैं इसमें डालूँगी, और इसके बाद मैं इसमें आइस डाल दूँगी। तो आइस यहाँ पे आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैंने इसमें नींबू डाल दिया है और ठंडा पानी ऊपर से डाल देना है। उसके बाद चम्मच या स्ट्रॉ की सहायता से हमें इसको अच्छे से चला लेना है, जिससे जो हमारा चीनी और मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और हमारी जो शिकंजी है उसका टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा चाहते हैं तो आप यहाँ पे और आइस ऐड कर सकते हैं, और ग्लास को भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी आइस और ऐड कर दी थी, और ग्लास को मैंने सिंपली डेकोरेट किया है सिर्फ एक नींबू का स्लाइस लगा के। आप यहाँ वाटर की जगह सोडा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी ठंडी ठंडी शिकंजी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं चलिए इसको एंजॉय करने के लिए, और आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।